Hello everyone. Welcome to today's session of Certified Ethical Hacking course. आप सभी का Certified Ethical Hacking course के आज के क्लास में वेलकम है. ओके, सो क्लासेस स्टार्ट करने से पहले प्लीज लेट मी नो इन द चैट कि मेरी वॉइस ऑडिबल है और स्क्रीन मैंने जो शेयर किया है वो विजिबल है. एवरीवन प्लीज लेट मी नो इन द चैट कि मेरी वॉइस ऑडिबल है और स्क्रीन जो मैंने शेयर किया है वो विजिबल है. Everyone, ओके, तो बहुत से लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि वीएमवेयर इंस्टॉल नहीं हो पा रहा. वेल, वीएमवेयर इंस्टॉलेशन का मैंने प्रोसेस आपको ऑलरेडी शेयर किया है ग्रुप में. ओके, आपको वो जो स्टेप्स है वो फॉलो करना है. अगर वो स्टेप्स आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपका वीएमवेयर में काली लिनक्स इंस्टॉल नहीं हो पाएगा. और आप में से जिन लोगों ने मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन क्लास को अटेंड किया है उनको पता होगा कैसे इंस्टॉल करते हैं, बिकॉज मैंने लाइव इंस्टॉलेशन करके भी दिखाया था. ओके, तो आप में से कितने लोगों ने काली लिनक्स और वर्चुअल मशीन इंस्टॉल कर लिया है, प्लीज लेट मी नो इन द चैट. ओके, ग्रेट. तो आप में से बहुत से लोगों ने वीएमवेयर और काली लिनक्स इंस्टॉल कर लिया है. तो आई होप आप लोगों ने ट्यूटोरियल फॉलो किया होगा तभी वो इंस्टॉल हुआ है. तो जिन लोगों का इंस्टॉलेशन नहीं हो पा रहा है उन लोगों को भी ट्यूटोरियल अच्छे से फॉलो करना होगा. ओके, वीएमवेयर का सबसे बेसिक एरर होता है वो होता है बायोज का एरर आपका. ओके, बायोज में अगर हम लोगों ने हाइपर वी यानी कि हाइपर विजन को डिसेबल अगर किया हुआ है तो आपके सिस्टम वर्चुअल मशीन वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम्स रन करने के लायक सपोर्टेड नहीं होगा. आपको बायोस में जाके उस सेटिंग्स को एनेबल करना होगा. वो कैसे एनेबल होगा, हर एक लैपटॉप हर एक पीसी का बायोस सेटिंग्स ओपन करने का अलग अलग ऑप्शन होता है. जैसे लेनोवो के लिए फॉर अदर लैपटॉप्स F12, F8. ओके, तो अलग अलग लैपटॉप्स का अलग अलग सेटिंग्स होता है, आपको वो फॉलो करना है. तो आज के क्लास में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जानने वाले हैं, क्योंकि एथिकल हैकिंग के कोर्स में ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो कि आपको डेली बेसिस पे यूज करने होंगे. डेली बेसिस पे आपको ये टर्म्स सुनने को मिलेंगे. ओके, तो बिफोर स्टार्टिंग हमारे प्रैक्टिकल सेशंस को स्टार्ट करने से पहले हम इन टर्म्स के बारे में जानेंगे. हमारी नेक्स्ट क्लास संडे को है यानी कि कल, जिसमें हम लोग अपना पहला मॉड्यूल का प्रैक्टिकल के साथ थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन देखेंगे जो कि है इंफॉर्मेशन गैदरिंग. बिकॉज कोई भी एथिकल हैकिंग या साइबर सिक्योरिटी में सबसे पहला स्टेप होता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग, टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना. ओके, ये सबसे बेसिक स्टेप होता है. तो उसका प्रैक्टिकल उसका थ्योरेटिकल हम लोग कल कवर करने वाले हैं. इन 40 डेज के कोर्स में आपको ये सारे के सारे टर्म्स बार बार सुनने को मिलेंगे. तो सही होगा, अच्छा होगा कि आप इन टर्म्स के बारे में पहले अच्छे से जान लें कि ये टर्म्स आखिर होते क्या हैं, इसका एक्सप्लेनेशन एक्चुअली में क्या है. ओके, तो क्लास को आगे शुरू करें, प्लीज चैट में कंफर्म कीजिए.
तो सबसे पहला टर्म जो होगा वो है एडवेयर। ओके, सबसे पहले एडवेयर के बारे में आपको क्या पता है? आप में से कितने लोग एडवेयर के बारे में जानते हैं? व्हाट इज एडवेयर? चैट में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं जिनको एडवेयर के बारे में पता है। एनीवन, व्हाट इज एडवेयर? एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई, कोशिश करके देखिए एडवेयर के बारे में। डेफिनेशन भी सामने लिखा है। ओके, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एडवेयर एक ऐसा स्क्रिप्ट है या तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर हम कह सकते हैं जो कि फोर्सफुली आपको एड दिखाते रहेगा आपके मर्जी के बिना। ओके, हम लोग बहुत से तरह के एंड्रॉयड एप्स, iOS एप्स और वेबसाइट्स यूज करते हैं। ओके, तो आप में से कितने सारे लोग एंड्रॉयड ऐप में एड्स देखते हैं? अगर आप कोई ऐप यूज करते हैं तो क्या आपको उसमें एड्स दिखाते हैं? कभी कभी वीडियो एड्स, कभी प्लेबल एड्स, वेबसाइट पे बैनर्स आते हैं, वीडियोस आते हैं, यूट्यूब पे एड्स आते हैं। यस, तो ये तो नॉर्मल एड्स हुए। ओके, ये एक सिस्टमैटिक वे होता है। बट एडवेयर्स ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ऐसे स्क्रिप्ट्स होते हैं जो कि आपके मर्जी के बिना आपको बार बार एड्स दिखाते रहते हैं। ओके, बहुत से एप्स जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं है, जैसे कि स्नैपट्यूब। आप में से कितने सारे लोगों ने स्नैपट्यूब के बारे में सुना है? आप में से कितने सारे लोग स्नैपट्यूब के बारे में जानते हैं? स्नैपट्यूब जो कि यूट्यूब से वीडियो डाउनलोड करने के लिए यूज होता है। ओके, स्नैपट्यूब जो है लास्ट मंथ, आई थिंक वन मंथ बैक, उस पे एक केस हुआ था कि उसने एडवेयर्स के हेल्प से मोर देन 1.5 मिलियन यूजर्स का प्राइवेट डेटा यूज किया है। ओके, तो स्नैपट्यूब प्ले स्टोर पे अगर आप सर्च करते हैं स्नैपट्यूब ऐप को, तो आपको प्ले स्टोर पे नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि गूगल ने उसको वहां से हटा के रखा हुआ है, बिकॉज ऑफ प्राइवेसीज एंड पॉलिसीज को वायोलेट करता है। गूगल प्ले स्टोर के पॉलिसीज में ये लिखा हुआ है कि आप किसी भी थर्ड पार्टी प्रोवाइडर के कंटेंट को फ्री में आप प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। ओके, तो स्नैपट्यूब क्या करता है, यूट्यूब से वीडियोस को फ्री में डाउनलोड करवाता है, फेसबुक से वीडियोस को फ्री में डाउनलोड करवाता है, और इंस्टाग्राम या कोई भी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म से वीडियोस फ्री में डाउनलोड करवाता है। उसका फायदा ये हुआ कि बहुत सारे लोग उसको यूज करते हैं। उसी का फायदा उठाते हुए स्नैपट्यूब ने मोर देन काफी सारे एडवेयर्स को अपने एप्लीकेशन में उसने इंटीग्रेट किया, जिससे क्या होता है कि अगर आप एड्स पे क्लिक नहीं भी करते हैं तो वो ऑटोमेटिक एड्स पे क्लिक बैक एंड में करवा देता है। ओके, अगर आपको स्नैपट्यूब ऐप में एड दिखा, कोई भी एड दिखा, वीडियो एड हुआ चाहे बैनर एड हुआ, आप उस पे क्लिक अगर नहीं भी करते हैं तो वो बैक एंड में क्लिक को जनरेट कर देता है। ओके, ये होता है एडवेयर। क्लियर यहाँ पे कि एडवेयर क्या होता है? प्लीज लेट मी नो चैट। आपके मर्जी के बिना आपको एड दिखाया जाएगा, और उस एड पे अगर आप क्लिक नहीं भी करते हैं तो बैकएंड में क्लिक जनरेट कर देता है, जो कि फ्रॉड हुआ। ये है एडवेयर का काम। ओके, ओके, नेक्स्ट टर्म जो है वो है आपका अटैक। अटैक जो है सबसे बेसिक टर्म है। आप लोग को अटैक के बारे में जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि साइबर सिक्योरिटी अटैक, हैकिंग अटैक, वल्नरेबिलिटी अटैक, एक्सप्लॉइट अटैक, हर चीज में अटैक का यूज आना ही आना है। ओके, अटैक क्या है? तो अटैक एक तरह से एक्शन है। ओके, किस टाइप का एक्शन? अटैक एक ऐसा एक्शन है जो कि कोई भी सिस्टम पे किया जाता है। क्यों? उसका एक्सेस गेन करने के लिए, या तो उसके सेंसिटिव डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ओके, तो बेसिक मतलब हमारे एथिकल हैकिंग में अटैक का यही होता है। ओके, ऐसे अटैक्स के बहुत मतलब होते हैं। अटैक हम लोग का नॉर्मल लैंग्वेज में अटैक का अलग मीनिंग होता है। ओके, एथिकल हैकिंग में अटैक का मतलब हुआ टू अटैक अ सिस्टम, किसी एक पर्टिकुलर रिमोट सिस्टम, सर्वर, वेबसाइट या एप्लीकेशन पे एक एक्शन लेना। उस एक्शन का आउटकम क्या होगा कि हमको उस सॉफ्टवेयर का एक्सेस मिल जाएगा, उसकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हमारे हाथ लग जाएगी, या तो उसका जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो हमको मिल जाएगा।
ये सारे के सारे टर्म्स आते हैं आपके अटैक के अंदर। ओके, बैकडोर। आप में से कितने सारे लोग बैकडोर के बारे में जानते हैं? व्हाट इज बैकडोर? एनीवन? ओके, एक बैकडोर जो है एक ऐसा हिडन एंट्री है, ठीक है, कोई भी सॉफ्टवेयर, वेब एप्लीकेशन या कोई भी सर्वर, जिसमें एक ऐसा एंट्री पॉइंट जो कि विजिबल नहीं है नॉर्मल यूजर्स के लिए, ओके, बट वो एक्चुअल में अवेलेबल है, उसके हेल्प से अटैकर्स, हैकर्स, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स उस सिस्टम में एंट्री कर सकते हैं। ओके, कैसे? जो भी सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं, जैसे कि यूजर नेम डालना, पासवर्ड डालना, फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन, फेस वेरिफिकेशन, या जो भी वेरिफिकेशन के सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं, सिक्योरिटी होते हैं, उसको बाईपास करके सिस्टम में एंट्री ले लेना एक बैकडोर के थ्रू अचीव किया जा सकता है। सपोज कि आपका लैपटॉप है या आपका पीसी है, आपके पीसी, आपके लैपटॉप में यूजर नेम पासवर्ड डाल के आप लॉग इन करते हैं, बट क्या होगा अगर आपके लैपटॉप या पीसी में किसी ने लूप होल ढूंढ निकाला और एक बैकडोर क्रिएट कर दिया? अब वो जब चाहे उस बैकडोर से आपके सिस्टम में एंट्री कर सकता है और कुछ भी छेड़छाड़ कर सकता है। तो ये होता है बैकडोर के हेल्प से। तो बैकडोर एक तरह से एक ट्रैपडोर हुआ, एक छुपा हुआ एंट्री हुआ, एक हिडन एंट्री हुआ, जिसके हेल्प से कोई भी डिवाइस या सॉफ्टवेयर के सिक्योरिटीज को बाईपास कर सकते हैं। ओके, बैकडोर क्लियर है सबको? प्लीज लेट मी नो इन द चैट। ओके, मूव करते हैं बॉट पे। व्हाट इज बॉट? तो आप में से बहुत से लोग बॉट के बारे में जानते होंगे। बॉट एक ऐसा ऑटोमेटेड प्रोग्राम है, ओके, एक स्क्रिप्ट वाली कोई एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके हेल्प से आप ऐसे ऐसे एक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं जो कि ह्यूमन ह्यूमन के जो कि एक ह्यूमन ऑपरेटर परफॉर्म नहीं कर सकता है। सपोज कि अगर हमको एक वेबसाइट को स्लो करने के लिए, उसको डाउन करने के लिए एक डीडॉस अटैक करना है, तो डीडॉस अटैक कैसे होता है? हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक को उस पर्टिकुलर सर्वर पे हम लोग भेजते हैं, तो क्या वो एक ह्यूमन पॉसिबली कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता है, बिकॉज वो पॉसिबल ही नहीं है। एक सेकेंड में अगर वो 100 ट्रैफिक भी भेजे तो वो बहुत कम होगा, डीडॉस में वो पॉसिबल नहीं है। तो एक बॉट जो होता है, एक ऐसा ऑटोमेटेड प्रोग्राम होता है जो कि रिपीटेडली बहुत ही हाईर रेट पे कुछ भी काम कर सकता है, उसको जिस तरह से एक्शन दिया गया है, वो चाहे 1 सेकंड में 1 लाख ट्रैफिक हो या 1 सेकंड में 1 मिलियन ट्रैफिक हो, वो उसको परफॉर्म कर सकता है, बिकॉज वो एक प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर है। ओके, तो एक बॉट इज अ प्रोग्राम दैट ऑटोमेट्स एन एक्शन, ओके, सो दैट इट कैन बी डन रिपीटेडली एट मच हाईर रेट, जो कि एक ह्यूमन ऑपरेटर से पॉसिबल नहीं है। ओके, तो बॉट एक ऐसा छोटा सा प्रोग्राम हुआ जो कि ऑटोमेशंस के हेल्प से एक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प करता है हाई रेट पे, जो कि ह्यूमन से पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हम एक बार में कितना माउस क्लिक कर पाएंगे? मुश्किल से 1 सेकंड में 2 या 3 या 4 या 5 मैक्सिमम, बट एक बॉट वही 1 सेकंड में 1 से 10 लाख तक क्लिक्स को परफॉर्म कर सकता है। ओके, तो बॉट एक ऐसा प्रोग्राम हो गया जिसके हेल्प से हम ये सब परफॉर्म कर सकते हैं।
नेक्स्ट वन इज बॉटनेट। बॉटनेट क्या होता है? जैसा कि हम लोगों ने बॉट के बारे में समझा, वैसे ही उसका एक आर्मी, एक बॉट के बजाय लाखों बॉट्स अलग अलग सिस्टम्स में इंस्टॉल किए हुए, उसको कहते हैं हम लोग बॉटनेट या तो ज़ॉम्बी आर्मी। अगर मैं एक हैकर हूं, ओके, मेरे पास 1000 रिमोट सिस्टम्स में मैंने बॉटनेट इंस्टॉल किया हुआ है, तो मेरे पास 1000 बॉट्स की ज़ॉम्बी आर्मी होगी। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अपने सिर्फ एक कमांड पे उन हजारों कंप्यूटर से कुछ भी करवा सकता हूँ। ओके, तो एक बॉटनेट या तो एक ज़ॉम्बी आर्मी ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स हुआ जिसमें मैंने बॉट इंस्टॉल किया हुआ है, ओके, जिसको मैं कहीं से भी कंट्रोल कर सकता हूँ बिना उसके ओनर के नॉलेज के। ओके, तो बॉटनेट्स का मैक्सिमम यूज होता है स्पैम भेजने में या तो डीडॉस अटैक करने में। अगर मेरे पास 1000 सिस्टम का एक्सेस है, 1000 सिस्टम में मैंने बॉटनेट इंस्टॉल किया हुआ है, मैं चाहता हूं कि ये मेरा एक कॉम्पिटिटर है जिसका वेबसाइट में स्लो करना चाहता हूं, तो मैं एक सेकंड में उन हजारों वेबसाइट हजारों कंप्यूटर से ट्रैफिक जनरेट करूंगा। अगर एक सेकंड में 1000 सिस्टम से ट्रैफिक आता है तो ऑब्वियसली वो जो सर्वर हुआ वो स्लो हो जाएगा और क्रैश हो जाएगा। ओके, तो बॉटनेट या बॉट में कोई कंफ्यूजन प्लीज चैट में कंफर्म कीजिए। ग्रेट, मूविंग फर्दर, ब्रूट फोर्स अटैक। ब्रूट फोर्स अटैक के बारे में कितने लोग जानते हैं प्लीज चैट में कंफर्म कीजिए। व्हाट इज ब्रूट फोर्स अटैक? ओके, नॉर्मली हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास हम किसी के फेसबुक अकाउंट में लॉग इन करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे? अगर हमको ना तो यूजर नेम पता है ना पासवर्ड पता है तो हम लोग क्या करेंगे, या तो हम लोग गेस करेंगे, अलग अलग डालेंगे यूजर नेम्स, अलग अलग डालेंगे पासवर्ड। उस केस में क्या होता है, मैक्सिमम 3 से 4 बार हम लोग ट्राई करेंगे और फेसबुक हमारे आईपी एड्रेस को ब्लॉक कर देगा, बिकॉज हम लोग बार बार एक ही चीज को हम ट्राई कर रहे हैं, ओके, और फेसबुक उसको डिटेक्ट करता है और उसको ब्लॉक कर सकता है। ब्रूट फोर्स अटैक में क्या होता है, ये एक ऑटोमेटेड प्रोसेस है। ब्रूट फोर्स अटैक्स के लिए हमारे पास अलग अलग टूल्स अवेलेबल हैं। इन टूल्स के हेल्प से हम ब्रूट फोर्स अटैक को ऑटोमेटेड कर सकते हैं एक डिक्शनरी अटैक टाइप का। ओके, एक डिक्शनरी में लाखों वर्ड होते हैं, करोड़ों वर्ड होते हैं, वर्ड, ओके, अल्फाबेट्स। ब्रूट फोर्स अटैक में क्या होता है कि उन अल्फाबेट्स का रैंडम स्ट्रिंग्स, रैंडम वैल्यूज जनरेट करके वो ट्राई करता रहेगा अलग अलग यूजर नेम, अलग अलग पासवर्ड, जब तक वो सही ना हो जाए। और जैसे ही वो सही हो जाएगा आपको वो वहां पे रिजल्ट शो कर देगा कि ये यूजर नेम और पासवर्ड किसी एक यूजर से बिलोंग करता है जिसके हेल्प से लॉगिन हो चुका है। तो ये आता है आपका ब्रूट फोर्स अटैक में। कोई कंफ्यूजन ब्रूट फोर्स अटैक में प्लीज चैट में पूछ सकते हैं। ओके, ब्रूट फोर्स मैं रिपीट करता हूँ एक बार और। ब्रूट फोर्स एक ऐसा अटैक हुआ जिसमें हम एक डिक्शनरी के अल्फाबेट्स, डिक्शनरी के वर्ड्स को वहां पे हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ओके, वो सॉफ्टवेयर क्या करता है, बार बार नए नए यूजर नेम्स, नए नए पासवर्ड्स ट्राई करता रहता है रैंडमली, जब तक कि कोई उसको करेक्ट ना मिल जाए। ओके, अगर हम यही चीज ट्राई करेंगे तो हमको सालों लग जाएंगे उसको ट्राई करने में, अलग अलग कॉम्बिनेशंस। बट ब्रूट फोर्स अटैक में वही वो 1 से 2 या 3 या मैक्सिमम 5 से 10 मिनट में वो उसको कंप्लीट कर सकता है। ओके, सो दिस इज द प्लस पॉइंट ऑफ ब्रूट फोर्स अटैक। अब क्लियर है ब्रूट फोर्स अटैक में? आईपी एड्रेस चेंज करने का हम बाद में डिस्कस करेंगे, आईपी एड्रेस बाद का टॉपिक है। अभी आप ब्रूट फोर्स अटैक को समझ पाए या नहीं समझ पाए प्लीज चैट में कंफर्म कीजिए एक बार।
ओके ग्रेट, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टर्म जिसको कहते हैं हम लोग बफर ओवरफ्लो। बफर ओवरफ्लो के बारे में किसको किसको मालूम है, चैट में एक बार बताइए। ओके तो हम लोग कभी कभी प्रिंटर्स में प्रिंटर्स यूज करते हैं ओके प्रिंटिंग के लिए, एक पेज दो पेज तीन पेज का कमांड हम डालते हैं प्रिंटिंग के लिए, तो वो क्या होता है लैपटॉप से आपका वो कमांड प्रिंटर के पास जाता है उसके बफर मेमोरी में प्रायोरिटी वाइज। अगर हम एक पेज का डालेंगे तो वो एक पेज वाला उसके मेमोरी में चल जाएगा, सेकेंड पेज का हम डालेंगे कमांड तो सेकेंड पेज उसके मेमोरी में चल जाएगा, थर्ड पेज का कमांड डालेंगे थर्ड पेज उसके मेमोरी में चल जाएगा। वो प्रायोरिटी वाइज कि पहला कौन सा था दूसरा कौन सा था तीसरा कौन सा था उस हिसाब से वो प्रिंट करेगा। तो ये डेटा जो है ये इसके बफर मेमोरी में जाके स्टोर होता है। तो हर एक डिवाइस हर एक सर्वर का एक बफर मेमोरी होता है। तो अब क्या होगा अगर उस मेमोरी को ओवरफ्लो कर दें, अगर उसका कैपेसिटी 1 GB है, अगर उसको हम 10 GB कर दें ओवरफ्लो करके, तो ऑब्वियसली वो क्रैश कर जाएगा। तो ये आता है आपका बफर फ्लो के अंदर। बफर फ्लो एक ऐसा फ्लॉ है जिसके कारण कोई भी डेटा उस मेमोरी के लिमिट से ज्यादा अगर उसमें आ जाए तो वो जो है उसको होल्ड नहीं कर पाएगा और वो क्रैश कर जाएगा। ओके बफर ओवरफ्लो क्लियर है, कोई कंफ्यूजन इसमें? Yes, sending more than the capacity to hold भी अच्छा एग्जाम्पल है। Okay, repeat. Buffer overflow क्या होता है कि अगर हम कोई भी एक ऐसा सिस्टम या डिवाइस यूज कर रहे हैं जिसमें हम लोग कमांड्स पास करते हैं, जैसे कि प्रिंटर, प्रिंटर को आप अपने लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं, ओके प्रिंटर में कमांड देते हैं आप कुछ भी फाइल प्रिंट करने के लिए, तो वो फाइल प्रिंट करने का जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रिंटर के पास जाता है और प्रिंटर उसको अपने बफर मेमोरी में स्टोर करता है। हर एक डिवाइस हर एक सॉफ्टवेयर का एक बफर मेमोरी होता है जहां पे वो डेटा को स्टोर करता है टेम्पररी, ताकि उसको प्रोसेस कर सके प्रायोरिटी वाइज। अगर उसका लिमिट 1 GB है उस बफर मेमोरी का, ओके और उसको हम ओवरफ्लो कर देते हैं, उसके जरूरत से ज्यादा उसमें हम पास कर देते हैं, तो वो क्रैश कर जाएगा। उसको कहते हैं हम लोग ओवरफ्लो, बफर ओवरफ्लो। ओके मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, क्लोन फिशिंग। तो बहुत से आपको ऐसे ईमेल्स आते होंगे जो कि जिसमें आपको एक्चुअल कंपनी का नाम दिखाता होगा, जैसे कि होंडा, सुजुकी, मर्सिडीज, ऑडी, ऐसे ऐसे मेल्स आपको आते होंगे और आपको लगता होगा कि ये ओरिजिनल मेल्स हैं। क्या आपको अभी तक कोई फेस हुआ ऐसा, कोई ऐसे मेल्स आपको कभी आए हैं जो दिखने में लगे लेजिटिमेट कंपनीज का बट वो एक्चुअल में होता है कोई प्रमोशनल? तो वो उसको कहते हैं क्लोन फिशिंग। उसमें क्या होता है कि लेजिटिमेट ईमेल्स जो होते हैं जो कि लुक अलाइक्स होते हैं, बिल्कुल ही जेन्युइन लगते हैं, जो वो ऐसे ईमेल्स आएंगे आपको जिसमें आपको जेन्युइन ब्रांड्स के नाम आते हैं और उसमें आपको बैकएंड में एक फॉल्स लिंक अटैच किया होता है, यानी कि अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको किसी और वेबसाइट पे लेके चल जाएगा जहां पे आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन आप लूज कर सकते हैं। ओके बिल्कुल, लॉटरी के ईमेल्स, यूके बैंक से, होंडा से, कोका कोला से, पेप्सी से, ये सारे के सारे मेल्स जो है रेगुलर बेसिस पे आते रहते हैं जिसको स्पैम कहते हैं और ये क्लोन फिशिंग के अंदर आपका आता है। ओके
इसमें आपको लगेगा कि वो सेम किसी लेजिटिमेट या किसी जेन्युइन ब्रांड से आ रहा है, बट वैसा वो होता नहीं है, और उसके बैकएंड में जो फॉल्स लिंक अटैच किया हुआ होता है वो बहुत ही मेलिशियस रहता है। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो डेफिनेटली आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज क्रैकर। क्रैकर बहुत ही सिंपल इजी टू अंडरस्टैंड है। आप में से कितने लोग क्रैक्ड सॉफ्टवेयर या क्रैक्ड वर्जन ऑफ गेम्स या क्रैक्ड सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं, प्लीज चैट में बताइए। Yes, तो क्रैकर एक ऐसा पर्सन है जो कि सॉफ्टवेयर के फीचर्स में छेड़छाड़ करके उसको मॉडिफाई करता है। ओके, कैटेगरीज क्या हो गए, पेड सॉफ्टवेयर को फ्री करना, सॉफ्टवेयर में कुछ कुछ फीचर्स ऐड करना जो कि प्रो वर्जन में नहीं है, जो कि फ्री वर्जन में नहीं है, तो ये सारे के सारे जो चीज आते हैं ये क्रैकर्स के अंदर आते हैं। ओके, तो क्रैकर इज वन हु मॉडिफाइज द सॉफ्टवेयर to access the features which are considered undesirable by the cracking software, person cracking the software. Okay? So generally आपका यूज हुआ पेड सॉफ्टवेयर को फ्री में यूज करने के लिए क्रैक करना, बट वो सेफ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जिस पर्सन ने उसको क्रैक किया है वो चाहे तो इसमें कोई भी मैलिशियस कोड को इंजेक्ट कर सकता है, वो चाहे तो उसके हेल्प से आपके सिस्टम में बॉटनेट इंस्टॉल कर सकता है, वो चाहे तो उसके हेल्प से आपके सिस्टम में ट्रोजन वायरस इंस्टॉल कर सकता है, वो चाहे तो उसके हेल्प से आपके सिस्टम में वायरस या वॉर्म्स इंस्टॉल कर सकता है। तो क्रैक्ड सॉफ्टवेयर कभी भी सेफ नहीं होते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कभी भी जेन्युइन सॉफ्टवेयर का यूज करना। ओके, मूविंग फर्दर, डॉस अटैक, डैनियल ऑफ सर्विस अटैक, जिसके बारे में बहुत से लोग जानते होंगे। कभी भी एक वेबसाइट या एक सॉफ्टवेयर को स्लो करना, डाउन करना, उस पर हैवी अमाउंट ऑफ ट्रैफिक भेजना ताकि वो डाउन हो जाए, उसको कहते हैं हम लोग डॉस अटैक, डैनियल ऑफ सर्विस अटैक। एक मैलिशियस अटेम्प्ट हुआ कोई भी सर्वर को डाउन करने के लिए, अनअवेलेबल करने के लिए, उस पर बार बार ट्रैफिक भेज के उसको डाउन करना। ओके, आपका इसको कहते हैं डॉस अटैक। डॉस अटैक के बारे में किसी को कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन डॉस अटैक के ऊपर? प्लीज एलैबोरेट। ओके, डॉस अटैक एक ऐसा अटैक हुआ, सपोज कि आप एक वेबसाइट ओनर हैं, आपका एक वेबसाइट चलता है जहां पे आप न्यूज वगैरह पोस्ट करते हैं। मैं एक हैकर हूं, मैं चाहता हूं कि आपके वेबसाइट को मैं डाउन कर दूं। तो आपके वेबसाइट का एक पर्टिकुलर लिमिट होता है कि वो एक सेकंड में या एक मिनट में इतना ही रिक्वेस्ट हैंडल कर पाएगा, 1000 लोगों को ही हैंडल कर पाएगा। क्या होगा अगर मैं 1,00,000 रिक्वेस्ट भेज दूं वही एक सेकंड के अंदर? ऑब्वियसली आपका सर्वर उसको हैंडल नहीं कर पाएगा और वो क्रैश कर जाएगा। सेम डीडॉस में होता है या डॉस अटैक में होता है। कोई भी वेबसाइट को डाउन करने के लिए उसपे उसके लिमिट से ज्यादा ट्रैफिक भेजना, जैसे अगर उसके लिमिट से ज्यादा ट्रैफिक भेजते हैं वो जो सर्विस है वो डाउन हो जाएगा, अनअवेलेबल हो जाएगा। ओके, तो ये हुआ डॉस अटैक। कोई कंफ्यूजन डॉस अटैक में? प्लीज कंफर्म कीजिए चैट में।
ओके मूविंग फर्दर एक्सप्लॉइट किट. ओके डिफरेंस बिटवीन डॉस एंड डी डॉस. वेल डॉस अटैक जो होता है वो एक ही सोर्स से आपका वो जो डॉस अटैक होता है वो आपका एक ही सोर्स से वो आपका परफॉर्म होता है. बट जो डीडॉस हुआ वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है अलग अलग सिस्टम से अलग अलग लोकेशन से. जो ट्रैफिक आता है डॉस अटैक में वो डीडॉस होता है. डीडॉस मतलब ही वो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस अटैक. अलग अलग लोकेशन से वो ट्रैफिक जो है मैलिशियस ट्रैफिक जो है भेजा जाता है. और डॉस अटैक में वो सिंगल एक जगह से ट्रैफिक आपका आता है. एक साल में काफी बिजनेसेस अपना लाखों डॉलर्स का लॉस करते हैं, मिलियंस डॉलर्स का लॉस फेस करते हैं सिर्फ डीडॉस अटैक से, डॉस अटैक से. ओके बिकॉज उसमें उनके सर्वर्स डाउन हो जाते हैं और उनका जो मार्केट होता है वो क्रैश हो जाता है. नेक्स्ट वन इज एक्सप्लॉइट किट. वेल एक एथिकल हैकिंग या एक हैकिंग के टाइमलाइन में अलग अलग स्टेप्स होते हैं. किसी टारगेट को अगर आपको हैक करना है तो उसके बारे में पहले आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करना होगा. सेकेंड स्टेप होता है उस टारगेट के बारे में आपको स्कैन करना, उसके बारे में एनुमरेशन करना, फिट प्रिंटिंग करना, देन उसके बारे में वीकनेस खोजना, देन उसको एक्सप्लॉइट करना. तो जब एक्सप्लॉइट वाला स्टेप आता है तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं. एक्सप्लॉइट क्या होता है, उस टारगेट के वीकनेसेस को भेदना, उसमें एंट्री करना, उसको हम लोग को हैक करना, वो आपका आता है एक्सप्लॉइट के अंदर. किसी भी बग्स vulnerabilities या weaknesses को use करके उस system में entry लेना, उसको कहते हैं exploit. तो exploit kit जो है एक softwares का bundle है जो कि design किया गया है web servers के लिए. किस लिए? ताकि वो vulnerabilities को खोज के निकाले उस machine से और उसको report करने में help करे कि क्या malicious code है जिसके कारण से इसको exploit किया जा सकता है, क्या ऐसा कारण है, कितने weaknesses हैं, कितने vulnerabilities हैं. एक्सप्लॉइट किट का हेल्प से ये सब हम कर सकते हैं. ओके नेक्स्ट वन इज एक्सप्लॉइट. व्हाट इज एक्सप्लॉइट? तो एक्सप्लॉइट एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है जिसके हेल्प से हम ऐसे कमांड्स परफॉर्म कर सकते हैं जिससे हम लोग बग्स, वल्नरेबिलिटीज और सिक्योरिटीज को इजीली हम लोग भेज सकते हैं. ओके तो एक्सप्लॉइट इज अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर और अ चंक ऑफ डेटा और अ सीक्वेंस ऑफ कमांड दैट टेक्स एडवांटेज ऑफ बग और वल्नरेबिलिटी. हमको टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन पता है, हमको टारगेट का लोकेशन पता है, हमको टारगेट का आईपी एड्रेस पता है, हमको टारगेट के बारे में सारा डिटेल्स पता है. अब क्या होगा कि उसके वीकनेसेस का इस्तेमाल करके, उसके वीकनेसेस का, उसके बग्स का, उसके वल्नरेबिलिटीज का फायदा उठा के उसको हैक कर लेने को एक्सप्लॉइट कहते हैं. ओके नेक्स्ट वन इज फायरवॉल. फायरवॉल के बारे में तो बहुत से लोग को पता होगा फायरवॉल क्या होता है. फायरवॉल बेसिकली एक ऐसा फिल्टर होता है जो कि आपके सिस्टम और नेटवर्क के बीच में अनवांटेड इंट्रूडर्स, अनवांटेड कनेक्शंस या अनवांटेड लोगों को अंदर आने से रोकता है. आपका लैपटॉप, आपका सिस्टम और आपका इंटरनेट, उसके बीच में अगर जो कम्युनिकेशन हो रहा है आपके लैपटॉप से आपके सर्वर के बीच में, उसके बीच में कोई थर्ड पार्टी या दूसरा या तीसरा इंसान कुछ छेड़छाड़ ना करे, कोई सॉफ्टवेयर उसमें छेड़छाड़ ना करे, उसको कहते हैं हम लोग इंट्रूडर्स, जो आपकी इंफॉर्मेशन के बिना आपके डेटा को चुराता है. ओके या तो ऑब्जर्व करता है. तो वैसे इंट्रूडर्स को दूर रखने में आपका जो फायरवॉल है आपका हेल्प करता है. जैसे विंडोज फायरवॉल हो गया, वैसे ही सर्वर्स का भी फायरवॉल होता है, वैसे ही बहुत अलग अलग फायरवॉल अलग अलग सर्विसेज में यूज किया जाता है. ओके तो ये हो गया फायरवॉल. नेक्स्ट है आपका की स्ट्रोक लॉगिंग. आप ऐसे कितने लोग की लॉगर्स के बारे में जानते हैं? व्हाट इज की लॉगर्स? कोई भी सिस्टम, कोई भी लैपटॉप, पीसी या एंड्रॉइड स्मार्टफोन या कोई भी मोबाइल फोन में ऐसा टूल इंस्टॉल कर देना जो कि हर आधे घंटे या हर मिनट पे उसमें क्या टाइप हो रहा है, क्या की स्ट्रोक्स को वहां पे एंटर किया जा रहा है, उसका लॉग भेजते रहना टाइमली
उसको हम लोग कहते हैं की स्ट्रोक लॉगिंग, जिसके लिए हम लोग की लॉगर्स का यूज करते हैं। अगर आप की लॉगर को किसी एक लैपटॉप या पीसी में इंस्टॉल कर देते हैं अपने टारगेट के, और एक टाइमलाइन सेट कर देते हैं कि हर घंटे में उस की लॉग्स को मेरे ईमेल पे भेजते रहे, तो आपको हर एक घंटे में जो भी वो यूजर अपने पीसी पे या अपने लैपटॉप पे टाइप करता है, चाहे वो facebook.com लॉगिन किया हो, यूजर नेम डाला हो, पासवर्ड डाला हो, नेट बैंकिंग का डाला हो, वो लॉग जो है आपको टाइमली मेल आते रहेंगे और आपको उसका जो लॉग है वो मिलते रहेगा। तो ये होता है की लॉगर्स के हेल्प से, जो कि चाहे मोबाइल फोन या तो लैपटॉप या तो पीसी पे भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। अगर किसी टारगेट में अगर आप ये इंस्टॉल करते हैं तो उसका टाइमली जितना भी वो चीज परफॉर्म कर रहा है, चाहे वो टाइपिंग करना हो, मैसेजिंग करना हो, लॉगिन करना हो या कुछ भी करना हो, वो सारा का सारा आपको डेटा मिलते रहेगा। नेक्स्ट वन है आपका लॉजिक बॉम्ब। बहुत सारे ऐसे वायरसेस होते हैं, वॉर्म्स होते हैं, मेलिशियस कोड्स होते हैं, जिनका अलग अलग काम होता है। बट एक ऐसा वायरस, ऐसा मेलिशियस स्क्रिप्ट जो कि एक पर्टिकुलर लॉजिक पे ही काम करे, सपोज कि अगर हम पावर बटन दबाएं तभी वो काम करे, एंटर दबाएं तभी काम करे, एल्ट प्लस F4 दबाएं तभी काम करे, एस्केप बटन दबाएं तभी काम करे, या तो कोई लॉजिक, ऐसा कोई लॉजिकल कंडीशन हो जो कि परफॉर्म होते ही वो ट्रिगर हो जाए, उस केस में हम लोग लॉजिक बॉम्ब का यूज करते हैं। ओके, एक ऐसा वायरस जो कि सिस्टम में छुपा हुआ होता है, जो कि पर्टिकुलर एक्शन पे ही एक्टिव होगा, कि अगर सपोज कि हम लोगों ने इस वायरस को बनाया है पावर ऑन होते ही एक्टिवेट होने के लिए, तो पावर जैसे ही ऑन होगा वो वायरस एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, तो ये आता है आपका लॉजिक बॉम्ब में, एक ऐसा वायरस, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो लॉजिक के ऊपर काम करे, और लॉजिक जैसे ही वो ट्रू हो वैसे ही वो एक अचानक से उस वायरस को इंस्टॉल कर दे और वो परफॉर्म करना शुरू कर दे उस एक्टिविटी को। ओके, तो ऐसे ही आपका मालवेयर है, फिशिंग है, रूटकिट है, सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स है, स्पूफिंग है, स्पाइवेयर है, एसक्यूएल इंजेक्शन है, थ्रेट्स हैं, ट्रोजन्स हैं, वायरसेस हैं, वल्नरेबिलिटीज के बारे में हम जानते ही हैं, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है, ज़ॉम्बी ड्रोन है, ये सारे के सारे जो एक्टिविटीज हुए आपके ये टर्म्स हो गए। ओके, इन सारे टर्म्स का हम अपने जो भी हमारे मॉड्यूल्स हैं 20 मॉड्यूल्स उसमें हम लोग यूज करने वाले हैं, वो प्रैक्टिकल्स में और थ्योरेटिकल्स में भी। फिशिंग में आपका आ जाता है किसी भी एक वेबसाइट का लुक अलाइक बनाना, फेसबुक के वेबसाइट जैसा सेम टू सेम लुक अलाइक बना के उसको मैं मेल करता हूँ, आपको लगेगा कि वो फेसबुक है बट वो है एक्चुअल में फ्रॉड साइट, जिसके हेल्प से मैं आपका यूजर नेम पासवर्ड चुरा सकता हूँ, उसमें आपका फिशिंग यूज होता है। देन आपका हो गया स्पूफिंग, किसी और के आइडेंटिटी को यूज करना, अगर मेरा नाम है ABC बट मेरे को किसी ने ब्लॉक किया हुआ है, तो मैं आपका नाम BCD यूज करके आपका आइडेंटिटी चुरा सकता हूँ और आपके बदले में अपने आप को शो कर सकता हूँ, सामने वाले को लगेगा कि वो कोई और है बट वो है एक्चुअली में दूसरा बंदा। ओके, तो वो आपका यूज होता है स्पूफिंग में। स्पूफिंग इज अ टेक्निक यूज्ड टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर्स वेयर बाय द इंट्रूडर सेंड्स मैसेज टू अ कंप्यूटर विद एन IP एड्रेस इंडिकेटिंग दैट द मैसेज इज कमिंग फ्रॉम अ ट्रस्टेड होस्ट, यानी कि जिसको भी उसने ट्रस्ट किया हुआ है उसका आइडेंटिटी चुरा के उसके बिहाफ पे शो करना अपने आप को। ओके, फिशिंग में URL सेम नहीं होता है, फिशिंग में URL अलग होता है, बट यूजर्स URL पे ज्यादा फोकस ना करके उस वेबसाइट पे फोकस करते हैं, उनको दिखता है फेसबुक तो अरे फेसबुक होगा, उनको लगता है जीमेल तो जीमेल होगा, लोग मैक्सिमम यूजर जो है URL पे फोकस नहीं कर सकते हैं। ओके, तो कोई कंफ्यूजन इन टर्म्स में आपको शुरू से लेकर लास्ट तक में इंपॉर्टेंट टर्म्स में, प्लीज चैट में कंफर्म कीजिए। नो, वी कैन नॉट स्पूफ URL, URL को स्पूफ नहीं कर सकते हैं कभी भी, URL कभी भी सेम रहेगा। ओके, मूविंग फर्दर, अब जानते हैं हम लोग टूल्स के बारे में, क्या क्या टूल्स हम लोग यूज कर सकते हैं अपने पहले प्रैक्टिकल में। इस सेशन के एंड के बाद ये PDF आपको प्रोवाइड किया जाएगा, सो प्लीज डोंट वरी। ओके, व्हाट इज SQL इंजेक्शन? वेल, बहुत सारे वेबसाइट जो होते हैं वो डेटाबेस का यूज करते हैं, तो वो डेटाबेस जो है मैक्सिमम आपका SQL प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हुआ
उससे बना हुआ होता है। तो ऐसे वेबसाइट्स जो कि SQL इंजेक्शन से वल्नरेबल है, यानी कि SQL में कुछ मेलिशियस कोड को इंजेक्ट करने लायक अगर वो अवेलेबल है, तो उसको SQL इंजेक्शन कहते हैं। यानी कि वेबसाइट का कोई हम लोगों ने डेटा सर्च किया, कोई हम लोगों ने प्रोडक्ट सर्च किया, फॉर एग्जाम्पल कोई वेबसाइट पे, उस प्रोडक्ट के लिंक में कुछ छेड़छाड़ करके अगर हम उसके डेटा को इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो वो SQL इंजेक्शन वल्नरेबल होता है। यानी कि विदाउट उसके डाटाबेस के एक्सेस लिए हुए उसके डेटा को हम लोग डंप कर सकते हैं और वेबसाइट पे हम लोग फैच कर सकते हैं। तो वो होता है SQL इंजेक्शन के हेल्प से। तो SQL इंजेक्शन इज एन SQL कोड इंजेक्शन टेक्निक यूज्ड टू अटैक डेटा ड्रिवन एप्लीकेशंस। ऐसे एप्लीकेशंस जो कि डेटा ड्रिवन है, यानी कि जो डेटाबेस का यूज कर रहे हैं, उनमें मैलिशियस SQL कोड को इंजेक्ट करके उनके डेटाबेस को चुराना, वो SQL इंजेक्शन के हेल्प से होता है। ओके, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग एक टाइप ऑफ एक वल्नरेबिलिटी हुआ जो कि मैक्सिमम वेब एप्लीकेशंस में होते हैं। सपोज कि कोई वेब एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं, तो वो वेब एप्लीकेशन कभी भी सर्वर से वेबसाइट में कनेक्शन जो हो सिक्योर होना चाहिए, यूजर उसमें कोई छेड़छाड़ ना कर पाए। तो एक्सेसेस यानी क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबल जो वेबसाइट्स होते हैं, उसमें हैकर्स कुछ वल्नरेबल PHP कोड्स, वल्नरेबल जावास्क्रिप्ट कोड्स को इंजेक्ट करके छेड़छाड़ कर सकते हैं, वेबसाइट में चेंजेस कर सकते हैं, डेटा को चुरा सकते हैं। ये आपका एक्सेसेस यानी क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में पॉसिबल है, जैसे कि यूजर नेम चुराना, पासवर्ड चुराना, सेशन चुराना, ये सारे के सारे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग से पॉसिबल होता है। ओके, टूल्स पे मूव करते हैं। तो सबसे पहला टूल जो हम लोग बेसिकली समझने वाले हैं वो है nmap। nmap एक बेसिकली इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल है, जिसमें हम लोग IP एड्रेस पास करके उस सर्वर, उस रिमोट सर्वर या तो उस लोकल सर्वर या तो उस टारगेट के बारे में जानेंगे कि वो टारगेट कहाँ पे लोकेटेड है, उसका फिजिकल लोकेशन क्या है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है, कौन सा होस्ट है, कौन सा नेम सर्वर है, कौन सा मेल सर्वर है, कितने पोर्ट्स ओपन है, कितने पोर्ट्स क्लोज हैं, कौन से पोर्ट्स पे कौन सा सर्विस चल रहा है, कौन से क्लोज पोर्ट पे क्यों क्लोज है, ये सारे के सारे डिटेल्स जो है वो लोग हम लोग nmap से फैच कर सकते हैं। तो हम लोग अपने कल के प्रैक्टिकल सेशन में nmap से ही शुरुआत करने वाले हैं। nmap में हम लोग को कभी भी टारगेट में IP एड्रेस पास करना होता है। तो किसी भी वेबसाइट का IP एड्रेस कैसे पता लगाएंगे? एनीवन प्लीज चैट में बताइए, किसी वेबसाइट का IP एड्रेस कैसे पता लगाते हैं? Yes, ping command का यूज करके। तो आप CMD यूज कर सकते हैं। CMD को ओपन कीजिए अपने विंडोज में, वहां पर टाइप कीजिए PING ping और उस डोमेन का नाम। सपोज हम टाइप करते हैं netflix.com। तो Netflix का जो है IPv6 एड्रेस यूज होता है, तो यहाँ पे वो IPv6 एड्रेस आपका वहां पे दिखाएगा। ओके, ऐसा कोई ट्राई करते हैं जो कि IPv4 में हो सके। ओके, तो इस डोमेन पे हम लोग का IPv4 एड्रेस जो है वो अवेलेबल है 108.170.7.27। ओके, is it visible everyone? Okay, let me show this again. पहले मैं इसको close करता हूं। CMD को पहले आप open कीजिए। CMD में type कीजिए PING और कोई भी डोमेन का नाम जो कि जिसपे आप टेस्ट करना चाहते हैं। सपोज हम फ्लिपकार्ट पे करते हैं, flipkart.com। तो इसका IP पिंग हो रहा है और पिंग होते हैं हमको चल गया पता कि फ्लिपकार्ट का IP एड्रेस है 163.53.76.86। अब हमारे पास उस टारगेट का IP एड्रेस मिल गया। इसी IP एड्रेस से हम लोग सारा चीज करने वाले हैं। टोटल इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना, स्कैनिंग करना, एनुमरेशन करना, फुटप्रिंटिंग करना, वीकनेसेस फाइंड करना, वल्नरेबिलिटीज असेसमेंट करना, एक्सप्लॉइट करना, सारे के सारे का जो एड्रेस होगा वो यही IP एड्रेस होगा। इज इट क्लियर?
एवरीवन, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? ओके, अब हमको आईपी एड्रेस मिल गया, अब उसका हम यूज करके यहाँ पे एनमैप में वो कर सकते हैं। एनमैप का यूजर इंटरफेस कैसा होता है मैं आपको दिखा देता हूं। ये एनमैप का यूजर इंटरफेस सॉफ्टवेयर है, इसी का प्रैक्टिकल हम लोग कल करने वाले हैं। टारगेट में आपको वही आईपी एड्रेस, जो भी आईपी एड्रेस आपको यहाँ मिला है वो आपको पास करना होगा टारगेट में, और यहाँ पे एक स्कैन का बटन है, इस पे क्लिक करना होगा। जैसे ही ये स्कैन पे क्लिक करेंगे, वो उस होस्ट के बारे में, उस सर्वर के बारे में जो भी डिटेल्स है उसको स्कैन करना शुरू कर देगा और यहाँ पे उसको शो कर देगा। आप उसके होस्ट की डिटेल्स, ऑपरेटिंग सिस्टम की डिटेल्स, सर्विसेज क्या चल रहे हैं, कितने पोर्ट्स हैं, कितने होस्ट्स हैं, कौन से पोर्ट पे कौन सा प्रोटोकॉल है, उस पोर्ट पे कौन सर्विस चल रहा है, कौन सा वर्जन है, उस होस्ट के बारे में सारे डिटेल्स, टोपोलॉजीज वगैरह जो भी हैं, उस सारे के सारे डिटेल्स आपको वहां पे मिल जाएंगे, ओके, एनमैप के हेल्प से। अब जो सेकेंड टूल है वो होता है एक्सप्लॉइट करने के लिए, हैक करने के लिए। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ चुका है, हमारे पास डिटेल्स वगैरह अवेलेबल हैं, अब हम लोग मेटा एक्सप्लॉइट नाम के टूल से एक्सप्लॉइटेशन करेंगे, ओके। मेटा एक्सप्लॉइट वर्ल्ड का नंबर वन ओपन सोर्स टूल है एक्सप्लॉइटेशन के लिए। इसके हेल्प से हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग से लेके एक्सप्लॉइटेशन तक के सारे चीजों को परफॉर्म कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका बॉब सूट, जो कि मेटा एक्सप्लॉइट की तरह ही है, देन एंग्री आईपी स्कैनर, देन केन एनेबल। केन एनेबल आपका यूज होता है वाईफाई हैकिंग के लिए, वायरलेस हैकिंग के लिए, मैन इन द मिडल अटैक के लिए। सपोज कि आप एक रेलवे स्टेशन पे हैं जहां पे फ्री वाईफाई अवेलेबल है, आप उसमें कनेक्ट हो जाइए, केन एनेबल को ऑन कर लीजिए और नेटवर्क को स्निफ करना शुरू कर दीजिए। अब क्या होगा, जितने भी लोग उस पर्टिकुलर नेटवर्क में कनेक्टेड हैं और नेट यूज कर रहे हैं, इंटरनेट यूज कर रहे हैं, जो भी डेटा वो ट्रांसमिट कर रहे हैं अपने लैपटॉप या स्मार्टफोन से सर्वर्स पे, वो आप देख सकते हैं। किसके हेल्प से? केन एनेबल सॉफ्टवेयर के हेल्प से। इसके हेल्प से आप एनक्रिप्टेड पासवर्ड्स भी देख सकते हैं, डिक्शनरी अटैक्स परफॉर्म कर सकते हैं, वीओआईपी कन्वर्सेशंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं और अलग अलग टाइप के अटैक्स भी कर सकते हैं। बिल्कुल, स्निफिंग का ही एक पार्ट हो गया ये, जैसे स्निफिंग का जो मैंने एक्सप्लेन किया था वो भी एक तरह से यही हुआ, ओके? ये पीडीएफ आपको क्लास के बाद जो गूगल ड्राइव का लिंक दिया गया है रिकॉर्डिंग सेशंस के लिए, वहां पे आपको अपलोड किया जाएगा। यस, केन एनेबल से वाईफाई हैक के लिए भी यूज होता है, वाईफाई के पासवर्ड्स निकालने के लिए भी केन एनेबल का यूज किया जाता है, जो कि हम प्रैक्टिकल्स में भी देखेंगे। और बहुत से अलग अलग सॉफ्टवेयर्स भी हैं जो जिनका सारा का सारा जो बेसिकली एम होता है वो यही होता है, ओके? तो कोई आपको कंफ्यूजन टूल्स में तो प्लीज आप चैट में पूछ सकते हैं। एवरीवन, ये सारे के सारे टर्म्स जो हैं आपको सही से याद करना होगा, कैसे कैसे क्या क्या हर एक एक्सप्लेनेशन है। सेशन के एंड के बाद वीडियो अपलोड हो जाएगा 30 मिनट में और जो है फाइल भी अपलोड हो जाएगा। यस, ये डॉक फाइल अपलोड होगा, डोंट वरी। जितने भी पहले के क्लासेस जो हो चुके हैं वो सारे के सारे रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, ऑलरेडी अपलोडेड है। उसका लिंक जो है टेलीग्राम चैनल में शेयर किया गया है, गूगल ड्राइव में। मैं उसको दोबारा फॉरवर्ड कर दूंगा इस सेशन के वीडियो के साथ। जिनकी सीएमडी में पिंग कमांड काम नहीं कर रहा है आपको वो इंस्टॉल करना होगा अपने विंडोज में। Yes, all the recordings are available for lifetime access. Okay, तो जो भी मैंने आपको बताया है आज के सेशन में टर्म्स और टूल्स के बारे में, क्या आपको क्लियर है? कोई भी डाउट हो तो प्लीज चैट में पूछिए, इन टर्म्स से रिलेटेड, टूल्स से रिलेटेड। बाकी एडवांस मत जाइए, जो मैंने आपको बताया है प्लीज वही आप कंफर्म कीजिए पहले कि वो समझ में आया या नहीं आया।
हाँ, अगर आप कोई भी वेबसाइट्स होते हैं जो कि एक बार में बहुत अलग अलग आईपीज पे यूज करते हैं, तो हो सकता है कि आपको अलग आईपी मिले, मुझे अलग आईपी मिले, वो डिपेंड करता है। बहुत जल्दी उसको एनमैप ओपन नहीं हो रहा है, वेल आप अभी मत कुछ कीजिए, मैंने अभी प्रैक्टिकल शुरू नहीं किया है, सिर्फ मैंने डेमोन्स्ट्रेशन दिया है। तो काइंडली प्रैक्टिकल्स के लिए वेट कीजिए। प्लीज लेट मी नो इन द चैट कि जो मैंने बताया आपको ये टर्म्स, एडवेयर्स, अटैक्स, बैकडोर्स, बॉट, बॉटनेट, डीडॉस, फायरवॉल्स, कीस्ट्रोक्स, कीलॉगर्स, स्पाईवेयर, ये सारे के सारे क्लियर हैं आपको? एनमैप, मेटास्प्लॉइट्स, क्लेनेबल, सारे सारे क्लियर हैं आपको? प्लीज चैट में कंफर्म कीजिए। नेक्स्ट सेशन में, प्लीज हियर मी आउट, नेक्स्ट सेशन में हम लोग प्रैक्टिकल्स पे मूव करने वाले हैं। इसमें हम लोग आईपी एड्रेस निकाल के उसके नेम सर्वर्स निकालने वाले हैं, मेल सर्वर्स निकालने वाले हैं, डीएनएस लुकअप करने वाले हैं, और एनमैप के हेल्प से उसके सारे के सारे बेसिक इंफॉर्मेशन को खंगालने वाले हैं। होस्ट नेम, पोर्ट कितने ओपन हैं, कितने क्लोज हैं, केनेबल का यूज करने वाले हैं, मेटास्प्लॉइट का यूज करने वाले हैं। ये सारे के सारे जो है हम लोग कल के प्रैक्टिकल सेशन में परफॉर्म करने वाले हैं। और जिनको यूजर्स को फेस हो रहा है इश्यू कि सीएमडी में उनका आईपी एड्रेस पिंग नहीं हो रहा है, उनके लिए अलग अलग भी मैं तरीका बताऊंगा जिसके हेल्प से वो लोग आईपी एड्रेस निकाल सकते हैं। तो डोंट वरी, बी पेशेंस। और कोई कंफ्यूजन किसी को आज के टॉपिक में? क्या आपको आज के टॉपिक में जो भी मैंने बताया आपको अच्छे से समझ में आया? प्लीज चैट में बताइए हाँ या ना। ग्रेट। तो नेक्स्ट क्लास हमारा कल होगा, टाइमिंग आपका सेम सेम भी हो सकता है। आपको जो टेलीग्राम चैनल है उसमें इन्फॉर्म किया जाएगा। सेशन टेस्टिंग प्रैक्टिकल का शुरू होगा, वैसे ही टेलीग्राम डिस्कशन चैनल को खोल दिया जाएगा, आप वहां पर डिस्कशन वगैरह कर सकते हैं। तो आज के क्लास के लिए इतना ही, अब आप क्लास को लीव कर सकते हैं। 30 मिनट में रिकॉर्डिंग वीडियो अपलोड हो जाएगा और ग्रुप में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। गूगल ड्राइव का लिंक आपको शेयर किया जाएगा। उस गूगल ड्राइव के लिंक में दो फोल्डर्स हैं, एक इंग्लिश है, एक हिंदी है। आपको हिंदी फोल्डर में जाके अपने इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे वॉच कर सकते हैं। साथ ही साथ ये डॉक फाइल भी वहां पे साथ ही में अपलोड करने वाला हूं। तो 30 मिनट के अंदर अपडेट जैसे ही आएगा उस लिंक पे आप क्लिक कीजिएगा, हिंदी फोल्डर में जाइएगा, आज के डेट 10 तारीख 10 अक्टूबर के क्लास में जाइएगा और वहां से वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा। सो थैंक यू फॉर योर पेशेंस। आज के क्लास के लिए इतना ही, अब क्लास को आप लीव कर सकते हैं। एंड हैव अ नाइस गुड नाइट।